गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आरसी यजु हब ऑनलाइन क्लासेज। आज का टॉपिक जो है चने का फली छेदक, जो कीट है उसका प्रबंधन, यानी कि इसकी संख्या में किस प्रकार से कमी किया जा सकती है, फसलों को इसके नुकसान से किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रबंधन के अंदर फर्स्ट पॉइंट जो है वो सस्य प्रबंधन। सस्य प्रबंधन इसमें गर्मियों के दिनों में खेतों की गहरी जुताई करना, जिससे अपन ने पढ़ा, इसमें थोड़ा सा समझेंगे, बैक में जाएं थोड़ा, अपन ने पढ़ा है कि कोषित जो होते हैं, इसके कोषित कहां होते हैं, भूमि में रहते हैं 8 से 12 सेंटीमीटर गहराई के अंदर जाकर। तो जैसे ही फसलों की कटाई होती है, फसलों के कट जाने के बाद में ये कहां पर पाए जाते हैं, कोषित भूमि के अंदर 8 से 12 सेंटीमीटर की गहराई के अंदर। तो जैसे ही फसल कटती है उसके बाद गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई करने, गहरी जुताई का मतलब ये है कि जुताई कम से कम कितनी गहरी होनी चाहिए, 12 सेंटीमीटर से ज्यादा। यदि इससे कम करेंगे तो ये जो कोषित है ये नीचे रह जाएंगे और ये भूमि के ऊपर नहीं आ पाएंगे। गहराई का मतलब यहां से कितना है, 8 से 12 सेंटीमीटर गहरी जुताई होनी चाहिए, जिससे भूमि के अंदर जो कोषित है वो निकलकर कहां आए, बाहर। गहरी जुताई करने से कहां पे आ जाएंगे कोषित, भूमि के बाहर आ जाएंगे। यहां पर बाहर आने के बाद में दो कारक हैं, एक जैविक कारक और एक है अजैविक। ये कारक अपना काम करते हैं और कोषित को नष्ट करने का कार्य करते हैं। जैविक कारकों में आते हैं परभक्षी जीव, कीटभक्षी, परभक्षी और कीटभक्षी जो होते हैं वो इन कोषित को अपना भोजन बना लेते हैं, उनको खाकर नष्ट कर देते हैं। अजैविक कारकों में आता है तापक्रम। गर्मियों के दिनों में बाहर के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है, इस वजह से इस उच्च तापक्रम में ये नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा खेतों के अंदर प्रकाश पास और फेरोमोन पास, इनका उपयोग करके भी इनको नष्ट किया जा सकता है। प्रकाश पास, फेरोमोन जो पास लगाते हैं, कीट जो है वो इनकी ओर आकर्षित होता है और आकर्षित होकर यहां पर एकत्रित हो जाते हैं और इनको आसानी से नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा सस्य प्रबंधन में फंदा फसलों का उपयोग भी किया जा सकता है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं टमाटर की खेती जो की जाती है, तो टमाटर की जो लाइन होती है उनके बीच में हम गेंदे का रंग जो है वो गुलाबी रंग के जो गेंदे आते हैं उनके पौधे लगाते हैं। इनका जो अनुपात होता है वो गेंदे व टमाटर, इनकी लाइनों का अनुपात होता है 1:14। इस प्रकार से इनको यदि उगाया जाता है तो इस कीट का प्रकोप सर्वाधिक गेंदे की फसल पर होता है और इनके ऊपर प्रकोपित होने के बाद या इनके ऊपर जैसे ही एकत्रित होते हैं तो इस फसल को नष्ट कर देते हैं और मुख्य फसल जो है टमाटर की वो इस कीट के नुकसान से बच जाती है। तो इस प्रकार से सस्य प्रबंधन जो है इसको कीटों को नष्ट करने में इस प्रकार से सहायक है। इसके बाद में रासायनिक प्रबंधन के अंतर्गत कुछ रसायनों का प्रयोग करते हैं और इनको नष्ट किया जा सकता है। इसमें रसायनों का उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले खड़ी फसल के अंदर मिथाइल पैराथियन
पैराथियन ये रासायनिक पदार्थ है, इसका 2% मात्रा ली जाती है। इसके अलावा मेलाथियन, मेलाथियन होती है इसको 5%। इसके अलावा क्यूनोलफोस, इसके अलावा क्यूनोलफोस होता है जिसको 1.5%। इनको तीनों में से कोई सी भी चूर्ण के रूप में लिया जाता है, पाउडर फॉर्म में लिया जाता है। 20 से 25 केजी, 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव किया जाता है। पर देखें, खड़ी फसल के अंदर मिथाइल पैराथियन 2% या मेलाथियन 5% या क्यूनोलफोस 1.5% में से किसी का भी चूर्ण 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव किया जाता है। सेकंड पॉइंट आता है इसका, पुष्पन के समय या बहार के समय, जब फसल जो है उसमें पुष्प आने प्रारंभ होते हैं तो उस समय चूर्ण के रूप में ना लेकर इनको द्रव ले लिक्विड के रूप में लेते हैं और इनका छिड़काव किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से क्यूनोलफोस ली जाती है 25 EC। यहां पर EC का मतलब है पायसीकरण सांद्रता, इमल्सिफिकेशन कॉन्सेंट्रेशन, पायसीकरण सांद्रता 1.5 लीटर। इसके अलावा कार्बेरिल, क्यूनोलफोस के अतिरिक्त कार्बेरिल भी ले सकते हैं, इसको लेते हैं 50 WP, कार्बेरिल 50 WP। ये घुलनशील होती है, ये 2.5 केजी घुलनशील अवस्था में, यानी दोनों जो है ये जल के अंदर घुलनशील होने चाहिए और इसको फसल के ऊपर छिड़काव किया जाता है, छिड़काव कर इसका नियंत्रण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सस्य प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन के माध्यम से चने का फली छेदक जो कीट है इसका प्रबंधन किया जाता है। धन्यवाद।